हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह आप छोटे से एप्लीकेशन की मदद से एकदम प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस में डालने के लिए। तो जैसे इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा, तो मैं उस थंबनेल को भी उसी एप्लीकेशन की मदद से मैंने बनाया है। और यदि आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं अब छोटा सा आपको ट्यूटोरियल दूंगा कि थोड़ा मोड़ा कस्टमाइजेशन से आपका एकदम से प्रोफेशनल लेवल का क्वालिटी आपका थंबनेल बन जाएगा। तो मैं इसका भी उपयोग करता हूँ इसी एप्लीकेशन का अपने गेमिंग चैनल के ऊपर, कि मैं उसमें गेमिंग का वीडियोस डालता हूँ, साथ ही साथ प्रोफेशनल थंबनेल भी डालता हूँ ताकि लोग उसमें क्लिक करें और लोग देखें। और मैं कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं डालता, मतलब आलतू फालतू कंटेंट हो गया, जैसा थंबनेल उसी के लेवल का मैं कंटेंट रखने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा कि आप कौन से एप्लीकेशन से किस तरह छोटे मोटे कस्टमाइजेशन के जरिए आप एकदम प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर आपको ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी जो कि आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल देखने को मिलेगी। तो सिंपली अपना प्ले स्टोर खोलिए, वहाँ पर आपको लिखना है अल्टीमेट थंबनेल मेकर। तो इसे लिख लेने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है और जो पहला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर 1 मिलियन डाउनलोड्स है, जो कि नीलेश जैन के द्वारा बनाया गया है। तो इसे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सिंपली डाउनलोड कर लेने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट थंबनेल का ऑप्शन, और इवन आपको रेडीमेड थंबनेल्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जो बनाया है आपने यहाँ पर थंबनेल वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ हमें एडिट थंबनेल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर अपने गेमिंग चैनल के लिए डिफरेंट डिफरेंट थंबनेल बनाया है। प्रीसेट्स है, ये सारे का सारे प्रीसेट्स है, बस इसमें मैंने टेक्स्ट वगैरह चेंज किया और थोड़ा मोड़े इफेक्ट मैंने चेंज किया है। तो ऐसे प्रोफेशनल अगर आपको थंबनेल बनाने हैं तो इस एप्लीकेशन का उपयोग करना होगा। तो सिंपली अगर आपको रेडीमेड चाहिए, क्योंकि मैं रेडीमेड ही बनाता हूँ जनरली, थोड़ा मोड़ा तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड स्किप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा थंबनेल फॉर यूट्यूब। आप चाहे तो कोई भी चीज़ आप यहाँ कवर के लिए भी आप रेडीमेड वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपको जो भी बनाना है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये वीडियो थंबनेल के ऊपर है, तो यहाँ हम थंबनेल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज होते हैं, जो कि बेसिक्स कैटेगरीज होते हैं, जैसे टेक हो गया, फूड हो गया, डांस हो गया, इन सभी का आपको थंबनेल प्रीसेट देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप लोग देख पा रहे हो एकदम प्रोफेशनल लेवल का आपका यहाँ थंबनेल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको जो भी चूज़ करना है, जो भी कैटेगरी चूज़ करना है, आप यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली, जो कि मैं गेम प्ले वगैरह करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सी मोर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ खुलेगा, लिस्ट लोड होगा, यहाँ ज़्यादा थंबनेल तो है नहीं, लेकिन आप इन्हीं सब थंबनेल को कस्टमाइज़ थोड़े मोड़े करेंगे और अपने इमेजेस को डालेंगे तो एकदम प्रोफेशनल लेवल का लगेगा। तो जैसे कि यहाँ हम एक थंबनेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे थंबनेल देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये था टेम्पलेट, आपका डाउनलोड होगा ऑटोमेटिकली फ़ोन के अंदर। तो सिंपली डाउनलोड हो लेने के बाद आपका जो खुलेगा थंबनेल वाला इस तरह देखने को मिलेगा। सिंपली जो भी चीज़ एडिट करना है सिंपली उस पर क्लिक करिए, उसके बाद एडिट वगैरह कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं छिप जाता है थोड़ा मोड़ा कभी कभार, तो इसे अप डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको उसी तरह अप डाउन करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हैं, अगर आगे पीछे हो जाएगा तो अरेंज कर सकते हैं। और नीचे में आप ऑप्शन देख पाएंगे, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो। और सिंपली स्टिकर में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे एकदम स्टिकर्स आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, तो यहाँ मैंने कुछ कुछ डाउनलोड करके रखे। अगर मुझे स्टिकर अप्लाई करने, तो मान लीजिए मुझे स्टिकर अप्लाई करनी है, सिंपली क्लिक करना है आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अरेंज कर लेना है, इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको जहाँ भी रखना है, प्लेस करना है, वो बस आपको रख देना है। उसके बाद आपका जो थंबनेल है वो लगभग से तैयार हो ही जाएगा। तो बस इसी तरह का आपको उपयोग करना है ट्रिक, उसके बाद आपका थंबनेल लगभग से तैयार हो जाएगा। और अगर हम इसमें कस्टमाइजेशन की बात करें, तो सिंपली यहाँ पर इफेक्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो सिंपली अगर इस छोटे छोटे चीज़ों का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपका थंबनेल एकदम अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके आप डिफरेंट डिफरेंट अगर आप कैटेगरी चाहते हैं तो यहाँ भी दिया हुआ है। अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट और कैटेगरी है, जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड है, उन सभी का भी आप बैकग्राउंड में उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक यहाँ करके दिखा देता हूँ। लेट मी सी, मैं इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे आप क्रॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। क्रॉप कर लेने के बाद सिंपली ओके पे प्रेस करिए। वैसे एक सैम्पल के तौर पे मैं दिखा दे रहा हूँ, उसमें तरह तरह के फिल्टर्स वगैरह लगाएंगे और इमेज ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं गैलरी के थ्रू। तो इसी तरह का अगर आप कर लेंगे सारे एडिटिंग प्रोसेस कंप्लीट, तो सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करिएगा और उसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सिंपली अगर आपको थंबनेल देखना है तो यहाँ पर भी क्लिक करके भी देख सकते हैं।
लेकिन आप या तो गैलरी से भी देख सकते हो, तो थोड़े मोड़े ऐड दिखते हैं। तो सिंपली अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर से आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थंबनेल इस तरह का। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह का थंबनेल्स अगर आपको बनाने हैं तो इस एप्लीकेशन का उपयोग जरूर करिएगा और इसे प्ले स्टोर में आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए यही था, जहाँ पर आपको दिखाने थे कि किस तरह से मैंने अपने थंबनेल्स को बनाता हूँ और आगे भी बनाऊँगा और इस चैनल पर इंप्लीमेंट करूँगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही था, तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।